नमस्कार, मैं हूँ रौनक। आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र, और ये वर्ल्ड कप सच में बहुत स्पेशल होता जा रहा है बॉस। अगर क्रिकेट की एडवर्टाइजमेंट लगानी हो और आपको किसी नए को बताना हो कि आओ देखो क्रिकेट, क्योंकि इसमें बोरा भर भर के एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो भैया दिखा दो। चाहे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच हो या पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे का, कल तो जिम्बाब्वे वर्सेज बांग्लादेश मैच में भी मौज ही मौज आ गई ब्रो। मतलब एक एक मैच मुकाबला नहीं है, ब्लॉकबस्टर है। और इस वर्ल्ड कप की एक और बहुत खास बात है कि कोई एक टीम वर्ल्ड कप जीतने की फेवरेट नहीं दिख रही है। मतलब ऐसी टीम जिसको आप कह सकते हैं कि यार ये टीम ना बाकी सब टीमों से मीलों आगे, ऐसा है ही नहीं। ग्रुप वन में तो अलग ही हल्ला हो रखा है। न्यूजीलैंड भले ही फिलहाल इस ग्रुप में टॉप पर हो, लेकिन सेमीफाइनलिस्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। और ऐसे में अपने कदम सेमीफाइनल की तरफ बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच खेला आयरलैंड से, वही आयरलैंड जो ऑलरेडी इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में हरा चुकी है। तो हुआ ऐसा कि आयरलैंड ने सोचा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोकेंगे, उसके बाद चेस करते वक्त अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनका यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि पिछले एडिशन के मैन ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर अब की बार एक बार फिर बेअसर साबित हुए। मिशेल मार्श भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिंच ने इस वर्ल्ड कप में कप्तानों के ऊपर जो श्राप लगा हुआ है उसका तोड़ निकाल लिया। शुरू में धीमा खेलने के बाद उन्होंने 44 गेंदों में 63 रनों के साथ फॉर्म में वापसी करी, लेकिन फिर आयरलैंड की असली मुसीबत तो स्टोइनिस थे। श्रीलंका के खिलाफ अकेले ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला देने वाले मार्कस स्टोइनिस कस के मारने के लिए एक बार फिर तैयार थे। 140 की स्ट्राइक रेट से रन भी बना रहे थे। एक वक्त पर तो लगा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले उनकी वजह से कहीं 200 के करीब न पहुंच जाएं, लेकिन 25 गेंदों में 35 बनाने के बाद स्टोइनिस भी शोपीस बन गए। इस विकेट से आयरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 20-25 रन पहले रोक लिया और उनको यह मैच जीतने के लिए 180 का टारगेट मिला। आपको भी मैं टारगेट दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लो। 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस तो है ही, साथ ही साथ हर मैच से पहले टीम बनाकर आपको मस्त कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। और टॉप किया आपने मेगा कॉन्टेस्ट तो थार मेरे यार आपके घर जाएगी, क्या समझे। वीडियो पे वापस आते हैं। टारगेट बड़ा था, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने की फेवरेट थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह जायंट किलर की रेपुटेशन आयरलैंड ने बना रखी है, उस हिसाब से तो हमें लग रहा था कि थोड़ी बहुत फाइट तो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर कुछ मिला तो वो सिर्फ विकेट थे। मुझे पता नहीं आयरलैंड में हेलोवीन मनाने का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया वालों ने बिना मुंह पर सफेदी पोते, बिना नकली दांत लगाए और बिना उलझुल के कपड़े पहने आयरलैंड के बच्चे बच्चे को डरा दिया होगा। पहले तो पैट कमिंस ने आयरलैंड की बर्बादी शुरू करी, फिर आयरलैंड वाले की ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को 2 विकेट दे गए। इसके बाद इनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने मिशेल स्टार्क को भी एक ओवर में 2 विकेट सौंप दिए। पावर प्ले में आयरलैंड के रन बने थे सिर्फ 24 और आधी टीम वापस हो चुकी थी। ये बात क्लियर हो गई थी कि जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया ही। कितने बड़े अंतर से जीतेगी इस पर इंग्लैंड वालों की पूरी नजर रही होगी, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उनके और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनलिस्ट का चुनाव नेट रन रेट के आधार पर हो। आयरलैंड ने अपने पड़ोसी इंग्लैंड के लिए कोशिश तो करी। आयरलैंड के टकर ने 48 गेंदों में 71 नॉट आउट की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी 42 से जीतने में कामयाब रहा और इसी के साथ छलांग लगाकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस ग्रुप में ड्रामा भी खत्म हो गया तो रुको जरा, सबर करो। कल है इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों टीमों में से जो हारा फंस जाएगा, लेकिन आपके लिए यहां पर जीत की संभावनाएं हैं मेरे भाई। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया है माई 11 सर्कल ऐप, अपने फोन में डाउनलोड करो। 1500 का ज्वाइनिंग बोनस है, हर मैच से पहले टीम बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको खूब सारा कैश प्राइज और थार जिताने की पूरी कोशिश जारी है। आप बस ऐप को डाउनलोड करो और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी कल सुबह की वीडियो जरूर देखना, उसमें हम आपके लिए टीम भी जरूर बनाएंगे। और जाने से पहले आप सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबाना और कमेंट करके बताना कि आज जब आयरलैंड वाला मैच ये देख रहे थे तो आपको भी एक पल के लिए लगा कि ऑस्ट्रेलिया तो गियो। जो भी हो कमेंट जरूर करना और साथ में अपना नाम और लोकेशन जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।